पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार द्वारा विपक्ष पर लगातार की जा रही राजनीति पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश जहां आपदा की स्थिति से जूझ रहा है, वहां विपक्ष प्रदेश सरकार के साथ पूर्णतः सहयोग करने के लिए तत्पर है, जिसके प्रयास भी विपक्ष द्वारा लगातार किए गए, जहां राहत राशि जो दिसम्बर माह में किसी भी प्रदेश को प्राप्त होती है वो विपक्ष के प्रयास से ही तुरंत प्रदेश सरकार को प्रदान की गई, जो लगभग 364 करोड़ रुपयों की थी। वहीं केंद्रीय नेतृत्व भी प्रदेश सरकार को पूर्णतः सहयोग दे रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सहयोग से प्रदेश में न केवल आपदा की स्थिति से उभरने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया, बल्कि आपदा की स्थिति के दौरान भी केंद्रीय सरकार के अधीन बचाव दलों का पूर्ण सहयोग रेस्क्यू ऑपरेशन को संचालित करने को मिला। उन्होंने कहा कि बार बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व प्रदेश सरकार द्वारा ये कहना कि केंद्र सरकार से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में पनपे विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बाढ़ और बरसात के कारण बड़ी क्षति हुई है, और क्षति जान की भी है और माल की भी है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि अब की बार की बरसात में जो बारिश का रुख देखने को मिला है यह अप्रत्याशित है। लगभग 170 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जो उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें प्रदेश के लोग भी हैं और प्रदेश के बाहर के लोग। और इस बरसात के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ है, उस क्षति की पूर्ति करना बहुत ही कठिन भी है, और जिसमें समय भी बहुत लगेगा, पैसा भी बहुत लगेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हम विपक्ष में है, और विपक्ष की ओर से हमने पहले दिन से ही बड़ा स्पष्ट किया कि इस संकट के क्षण में हमारा सहयोग पूरी तरह से सरकार को मिलेगा। सरकार काम करे और जहां मदद करने की आवश्यकता जिस रूप में हो पाएगी, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और उस दृष्टि से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें आदेश दिए कि इस संकट के क्षण में सब जगह पार्टी का कैडर भी मदद करने में जुटे, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन के अतिरिक्त जो बाढ़ से प्रभावित परिवार हैं उनको राहत देने के लिए, मदद करने के लिए। और उन सारी चीजों को लेकर के हमने पूरी जिम्मेवारी के साथ उस कार्य को करने की कोशिश की है। मैंने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें हिमाचल प्रदेश में, आर्मी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में, आर्मी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे, और केंद्र से जो एडवांस राहत राशि हिमाचल प्रदेश के लिए जारी करना 364 करोड़ के लगभग, उसके बावजूद मुख्यमंत्री का इस प्रकार से कहना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश में तुरंत जो है, जो टीम नवंबर के महीने में आमतौर पर आती थी, बरसात का बाढ़ का जो नुकसान होता उसका जायजा लेने, उसका आकलन करने के लिए, वो टीम तुरंत भेज करके हिमाचल प्रदेश में घूम करके जो है अपनी रिपोर्ट देने वाली है। सरकार की ओर से इस बरसात और बाढ़ के इस दौरान कुछ कदम उठाए गए, लेकिन इस बात को लेकर के भी मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमने कहा कि उसमें भी हमारा पूरा सहयोग रहेगा, लेकिन कुछ चीजों को लेकर के बार बार यही सुनने को देखने को मिल रहा है कि हम उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। यह आरोप बिल्कुल लगातार जो है वो सत्ता पक्ष की
ओर से हम पर हमारी पार्टी के सब साथियों के ऊपर लगाने का प्रयत्न हुआ है और मैं समझता हूं वो दुर्भाग्यपूर्ण।